Hello everyone, welcome back to our channel Recipe of the Day. Today we are going to share an Indo-Chinese recipe that is chili idli. और आप उसको इडली मंचूरियन भी बोल सकते हैं। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिली इडली बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही लजीज एंड बनाने में बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लोर ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब मैं उसमें 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सब उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड थोड़ा थोड़ा करके मैं उसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं करीबन 1/2 कप वाटर यूज़ की हूँ और एक पतला सा बैटर रेडी की हूँ। ये कुछ इडली है जो कि बिल्कुल ठंडा है, आप चाहे तो फ्रिज से डायरेक्ट ला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इडली का टेक्सचर थोड़ा टाइट रहे। सो मैं उसको अब ऐसे कट कर रही हूँ एंड इस बैटर में उसको कोट कर लूँगी। एकदम आराम से उसको आप मिक्स कीजिएगा। इडली गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, इसे ठंडा ही रखिएगा। सो यहाँ पे मैं कढ़ाई ली हूँ एंड अब मैं इसको अच्छे से ऑयल गर्म करके इडली को फ्राई कर लूँगी। अच्छे से उसको मीडियम फ्लेम में ही थोड़ी देर एक साइड से फ्राई होने दीजिएगा, देन मैं उसको अब फ्लिप कर लूँगी। देखिए एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसी तरीके से हम दोनों साइड से उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आपका इडली बहुत ही अच्छे क्रंची बन जाएंगे एंड जब भी चिल्ली बनेंगे और आप मंचूरियन में भी डालेंगे वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम बाहर से क्रिस्पी एंड अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। इस तरह से हम बाकी सारे इडली को फ्राई कर देंगे। आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इडली। सो लीजिए हमारा सारा फ्राइज इडली रेडी है। अब हम चिल्ली बनाएंगे। चिल्ली के लिए यहाँ पे मैंने लिया है चॉप्ड ओनियन, कैप्सिकम, फाइनली चॉप जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली। सो कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो गया है, मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें मैं डाल दूँगी फाइनली चॉप गार्लिक। गार्लिक को हल्का ही आराम आने तक हम रोस्ट करेंगे। अब उसमें हम ऐड कर लेंगे फाइनली चॉप जिंजर। सो ये थोड़ा इंडो चाइनीज फ्लेवर आएगा, सो इसमें हम उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ करी लीव्स ऐड कर लिया है, इसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। अब मैं उसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी, उसको हम हल्का ही सॉटे रखेंगे। अब उसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड ओनियंस, ओनियन को भी हम हल्का ही सॉटे करेंगे। चिल्ली है सो हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम देंगे एंड उसमें ऐड कर लेंगे कैप्सिकम। सो चॉप्ड कैप्सिकम के साथ ओनियन को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। 3-4 मिनट के लिए सॉटे करने के बाद अब मैं उसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। सो आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून अब सोया सॉस एंड करीबन 2 टेबल स्पून अब टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा टाइम सॉटे करने के बाद देखिए अब मैं उस सेम बाउल में 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड करूँगी एंड उसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। जो बैटर मिक्स होगा वो हम ऐड कर लेंगे चिल्ली के अंदर, उसको हमें हल्का उबाल आने तक ऐसे सॉटे करते रहना है। अब ये थोड़ा सा उबाल आ गया है, हम उसमें ऐड कर लेंगे हमारा फ्राई इडली। सो फ्राई इडली ऐड करने के बाद अब उसको हम थोड़ा टाइम के लिए ही ऐसे सॉटे कर लेंगे एंड उसको अच्छे से चिली के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने से हमारा जो इडली है उसके अंदर चिली का फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा एंड वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। सो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ एंड उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा शुगर यानी कि 1/2 टेबल स्पून ऑफ चीनी एंड थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता। जी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए सर्व करते हैं। देखने में जितना लजीज लग रहा है खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा। सो आप इस टाइप का चिल्ली इडली जरूर ट्राई कीजिएगा एंड घर में सबको बना के खिलाएगा। सो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग विद रेसिपी ऑफ द डे। If you like our recipes and just subscribe to our channel, hit the like button and share with your family and friends. Thank you for watching.